बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ शिक्षा दर्शन जी हाँ पढ़ाई के साथ मस्ती भी यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है जिसे सभी डीटीएच व केबल नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है नाम है शिक्षा दर्शन इसके अंतर्गत आप कक्षा एक से बारह तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं इस कार्यक्रम में आपको घर बैठे सप्ताह के प्रथम पाँच दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा प्रत्येक शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर क्राफ्ट कला जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ साथ मनोरंजक कहानियों व कठपुतली के खेल का भी आनंद ले सकेंगे राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा एक से बारह तक के लिए प्रतिदिन सवा तीन घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है जिसमें कक्षा नौ से दस के लिए साढ़े बारह से डेढ़ बजे तक तथा कक्षा ग्यारह एवं बारह के लिए डेढ़ से ढाई बजे तक तथा तो कक्षा एक से पांच के लिए तीन से साढ़े तीन बजे तक एवं कक्षा छह से आठ के लिए साढ़े तीन से सवा चार बजे तक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होगा बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा ग्यारह में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत विषय में पृथ्वी की आंतरिक संरचना भाग दो वे कक्षा बारह में गणित विषय में आवियु भाग छह रसायन विज्ञान विषय में ठोस अवस्था भाग सोलह सत्रह बच्चों हो जाइए तैयार अपने पाठ्य पुस्तक नोटबुक और पेन ले के हम चलते हैं अपने पाठ्यक्रम की तरफ हम अध्ययन कर रहे थे कौन सी पुस्तिका का भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जिसमें अध्याय तीन पृथ्वी की आंतरिक संरचना जिसके भाग एक में हमने इसके परिचय के बारे में जाना भाग दो में हम देखेंगे भूगर्भ की जानकारी के साधन के कौन कौन से वो साधन है जो हमारे पृथ्वी का जो इंटीरियर पार्ट है उसकी जानकारी उसकी सूचनाएं उसकी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाते हैं तो हम इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की भूगर्भ की जानकारी देने वाले साधन कौन कौन से हैं तो देखते हैं बच्चों भूगर्भ की जानकारी के साधन पृथ्वी की तिरजा 6,370 किलोमीटर है रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी है 6,370 किलोमीटर यानी ये तिरजा क्या होती है बच्चों क्या आप देखते हो कि सर इसमें तो भूगोल में तो गणित तो का काम भी काफ़ी है तो इतना आपको घबराने की जरूरत नहीं है छोटी सी बात यानी ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी के यहाँ से आप के अंदर तक जाओगे तो ये दूरी है आपकी छः हजार तीन सौ सत्तर किलोमीटर तो इसे कहते हैं हम रेडियस ऑफ द अर्थ बच्चों इसको लेके आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है कहीं आपको पुस्तिका में छः हज़ार तीन सौ इकहत्तर किलोमीटर मिलेगा कहीं आपको छः हज़ार तीन सौ सत्तर किलोमीटर मिलेगा मगर आपकी जो एन की पुस्तक है आपके पाठ्यक्रम में जो पुस्तक लगा रखी है उसमें दे रखा है आपके छः हज़ार तीन सौ सत्तर किलोमीटर यहाँ से देखते हैं हम यहाँ ये जो क्रस्ट भाग है यानी ऊपरी भाग क्रस्ट है इस क्रस्ट में यहाँ से लेके और यहाँ कोर तक चलते हैं तो इसकी दूरी है छः हजार तीन सौ किलोमीटर तिरसठ सौ सत्तर किलोमीटर या इसको हमने क्रस्ट बुप्रॉपर्टी इसको हमने मेंटल और इसको हमने आउटर कोर और इसको हमने इनर कोर के बारे में विभाजन किया यहाँ पे ये यह आपका लिथोस्पेयर स्थल मंडल फिर आपका यहाँ पे एस्थोन दुर्बलता मंडल फिर ये आपका मेंटल यहाँ उन्तीस किलोमीटर तक फिर घन्तीस से लेके कर छः तक एक कोर बाघ कोर को फिर हमने दो बागों में आउटर कोर और इनर कोर आउटर कोर है वो लिक्विड है और इनर कोर है वो रिजिड है यानी ठोस है सॉलिड है इस प्रकार से हम ऊपरी भाग से लेके क्रस्ट यानी भूपर पट्टी से लेके नीचे तक जहाँ तक रेडियस कितनी है 6370 किलोमीटर तक हमने इसको क्रस्ट मेंटल कोर बागों में वर्गीकृत किया अब देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण ये संभव नहीं है कि पृथ्वी के केंद्र तक पूछ कर उसका निरीक्षण कर सके कोई है ऐसा आप में से महानुभव जो छः हजार तीन सौ इकहत्तर किलोमीटर तक नीचे गोता लगा सकता है जा सकता है नॉट पॉसिबल ये क्या है इम्पॉसिबल है कोई नहीं जा सकता वहाँ के पदार्थ का कुछ नमूना लेके आ सके ये आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में मैं भी वैज्ञानिक हमें यह बताते हुए बताने में सक्षम हुए कि भूगर्भ की संरचना कैसी है और इतनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं हमने पिछले वीडियो में थोड़ा डिस्कस भी किया था कि जो क्रस्ट है इसमें सियाल की अधिकता है मेंटल है इसमें सीमा की अधिकता है और हमारा जो ये कोर है इसके अंदर निफे की अधिकता है यानी इसमें सिलिका प्लस एल्यूमिनियम पाया जाता है इसमें सिलिका प्लस मैग्नीशियम पाया जाता है और इसमें निकल प्लस पाया जाता है ये कैसे अनुमान लगाया हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया अनुसंधान किए रिसर्च किए और वो हमारे को बताने में सक्षम हो गए कि भूगर्भ की जानकारी दी हमको कि इसकी संरचना कैसी है और वहाँ पे कैसे कैसे पदार्थ पाए जाते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षणों और पदार्थ के विश्लेषण पर भी आधारित है यानी अंदर आपने कल देखा कि ज्वालामुखी का क्या होता है इरप्शन होता है उद्गार होता है तो उस उद्गार के साथ लावा मैग्मा कंकड़ पत्थर राख धूल के कण वो साथ आते हैं जब वो उन साथ आते हैं तो उनका लेबोरेटरी के अंदर क्या किया जाता है प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है कि इसके अंदर जो गहराई के अंदर से निकल के आए हैं तो ये किन खनिज तत्वों से बने हुए हैं इस प्रकार से हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परमाणु के आधार पे भूगर्भ की जानकारी जुटाने में सक्षम होते हैं स्रोत देखो भूगर्भ की जानकारी के कौन कौन से स्रोत है यानी सोर्स कौन कौन से हैं जो हमें जानकारी देते हैं बच्चों अपनी नोटबुक में क्या कर लो नोट कर लो आपके एन में ऐसा डायग्राम नहीं बना हुआ है इसलिए आप क्या करो अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लो देखो पहला है अप्राकृतिक साधन या अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट बोलते हैं फिर है प्राकृतिक साधन जिसको प्राकृतिक या प्रत्यक्ष बोलते हैं फिर है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य इसको एक नंबर दे लो इसको दो नंबर दे दो और इसको तीन नंबर दे दो यानी भूगर्भ की जानकारी देने वाले स्रोत या साधन या सोर्स कौन कौन से हैं तो पहला लिखो आप अप्रत्यक्ष दूसरा लिखो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य एविडेंस और थर्ड लिखो प्राकृतिक या प्रत्यक्ष डायरेक्ट यानी अप्राकृतिक में क्या क्या पढ़ोगे आप घनत्व पढ़ोगे डेंसिटी पढ़ोगे दबाव पढ़ोगे प्रेशर पढ़ोगे और क्या तापमान या तापक्रम टेम्परेचर के बारे में जानोगे फिर इसमें देखोगे प्राकृतिक के अंदर ज्वालामुखी के बारे में कि जो ज्वालामुखी से जो उद्गार होता है वो किस प्रकार से होता है और उसके अंदर जो कंकड़ पत्थर धूल या हैं वो किन खनिजों की अधिकता होती है किसमें प्राकृतिक साधनों के अंदर बच्चों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ मैंने इस डायग्राम में क्या नहीं लिखा भूकंप शब्द नहीं लिखा क्या नहीं लिखा भूकंप नहीं लिखा क्या आप कहोगे सर ये भूकंप है वो प्रत्येक साधनों में आएगा या अप्रत्येक साधनों में आएगा तो आपकी जो एन की पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर भूकंप को किस में दे रखा है अप्रत्येक साधन में दे रखा है मगर कई पुस्तकें जैसे भौतिक भूगोल सविंदर सिंह की वरण बरन, वरणवाल की पुस्तक एस के ओझा की पुस्तक उनमें भूकंप को किस में दे रखा है प्राकृतिक साधनों में दे रखा है मगर आपके जो पाठ्यक्रम में पुस्तक चल रही है एन की उसमें आपको भूकंप किसके बारे में किस में दे रखा है अप्राकृतिक साधनों में दे रखा है ये आप ध्यान रखना तो ये है आपके प्राकृतिक अप्राकृतिक पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य इसको आप यहाँ पे लिख लो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट यहां लिख लो आप डायरेक्ट सोर्स प्रत्यक्ष देख, देखते हैं पहले पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टाने अथवा वे चट्टाने जो हमें कहां से प्राप्त हो रही है खनन क्षेत्रों से प्राप्त हो रही है किनसे जब हम माइनिंग करते हैं तो हम देखते हैं उन चट्टानों में कौन से खनिजों की अधिकता है और उनके अंदर गहराई पे जाने पे किस प्रकार की हमारी भूगर्भ मिलती है यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे मिलती है तो इनसे भी हम क्या करते हैं जानकारी कलेक्ट करते हैं यानी ये इन चट्टानी क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं खुदाई कर रहे हैं माइनिंग कर रहे हैं खनन क्रिया कर रहे हैं उस खनन क्रिया से हमें पता चलता है जब हम अंदर खुदाई करते हैं तीन से चार किलोमीटर गहराई तक कि किस प्रकार की पृथ्वी की संरचना है दक्षिण अफ्रीका की सोने की खाने तीन से चार किलोमीटर तक गहरी है यानी ये आपकी जो दक्षिण अफ्रीका की सोने की खाने हैं ये ये आपकी तीन से चार किलोमीटर तक गहरी है ज़्यादा गहरी नहीं है कितनी है तीन से चार किलोमीटर तक ही और हमने रेडियस कितना पढ़ा था छः हजार तीन सौ सत्तर किलोमीटर तक और ये कितनी गहरी है सिर्फ तीन या चार किलोमीटर तो अंदर तक पूछना नामुमकिन है इसलिए हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साधनों के द्वारा ही भूगर्भ की जानकारी जुटाते हैं दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खान तीन से चार किलोमीटर तक गहरी है इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है क्योंकि उतनी गहराई पर क्या हो जाता है तापमान अधिक हो जाता है जब तापमान अधिक हो जाएगा तो वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा तापमान के बारे में भी हम चर्चा करेंगे अभी खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए परपटी करस्ट में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं यानी इस करस्ट से लेकर इस कोर तक क्या कर रहे हैं छानबीन कर रहे हैं इनकी जानकारी जुटा रहे हैं बीच में क्या आ गया था मेंटल संसार भर के वैज्ञानिक दो मुख्य परियोजनाओं पे काम कर रहे हैं ये गहरे समुद्र में परवेदन परियोजना व समन्वित महासागरीय परिव, परिवेधन परियोजना है यानी खूब सारे वैज्ञानिक पूरे विश्व के समुद्र के अंदर खुदाई कर रहे हैं क्योंकि समुद्र में क्या मिलते हैं रिसोर्स मिलते हैं संसाधन मिलते हैं और उन संसाधनों को परवेदन ड्रिल माइनिंग करके खुदाई करके उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि यानी जो हमारा आर्कटिक महासागर है वहाँ पे एक जगह है कोला वहाँ पे सबसे ज़्यादा गहराई तक हमारे वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं रिसर्च कर रहे हैं खनन कर रहे हैं वहाँ से रिसोर्स से कलेक्ट कर रहे हैं देखो आज आज तक सबसे गहरा प्रिवेदन ड्रिलिंग आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर तक की गहराई तक किया गया कितने किलोमीटर की गहराई तक 12 किलोमीटर की गहराई तक यानी यह आर्कटिक क्षेत्र है इस आर्कटिक में यहाँ देखो ये कितने किलोमीटर गहरा 12 किलोमीटर तक इसका क्या है रेट होल माइनिंग किया गया है इन परियोजनाओं तथा तो बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त होती है कि जैसे हम 12 किलोमीटर गहराई तक इसको खोदेंगे ड्रिलिंग करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेंगे यहाँ से हमें खनिज तत्व मिलेंगे पदार्थ मिलेंगे उन पदार्थों के द्वारा हम अनुमान लगाते हैं उन पे लेबोरेटरी में हम उन पे परीक्षण करके के यहाँ पे किन किन खनिज तत्वों की प्रधानता है और पृथ्वी के आंतरिक भाग कैसा है तो उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है अभी देखा ना आपने किसका ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष में आया था या इसको क्या बोलते हैं प्राकृतिक ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है जब कभी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पे आता है तो ये प्रयोगशाला अन्वेषण या जांच के लिए उपलब्ध होता है जैसे ही यहाँ से ये देखो क्या निकल रहा है यहाँ से आपका लावा बाहर निकल रहा है यानी नीचे आपने जो ये पृथ्वी की क्या देखी थी परते देखी थी तीन कौन कौन सी क्रस्ट, मेंटल और कोर ये क्रिस्ट यह मेंटल भाग और यह कोर भाग इस मेंटल में है एस्तोनो स्पेयर जिसे बोलते हैं दुर्बलता मंडल इस दुर्बलता मंडल में तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि ये पिघली हुई अवस्था में मिलता है और यहाँ पे लावा गतिमान रहता है और यह लावा यहाँ से जब प्लेटों की गति होती है अभिसारी और अपसारी उनको तोड़ के बाहर आने की कोशिश करता है और उससे क्या होता है उससे ज्वालामुखी उद्गार होता है जब ये ज्वालामुखी उद्गार होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग से तो इसके साथ क्या आते हैं इसके साथ ज्वालामुखी धूल आती है राख आती है कंकड़ पत्थर आते हैं खनिज तत्व आते हैं और ये पूरा का पूरा लावा बाहर निकलता है जब ये बाहर धरातल पर आ जाता है तो यहाँ पे इनका जमा हो जाता है पर्वत बन जाते हैं पठार बन जाते हैं और यहाँ से नमूने इकट्ठे करके क्या ले जाते हैं प्रयोगशाला के अंदर और वहाँ इनका क्या करते हैं खोज करते हैं रिसर्च करते हैं इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि मेघमा कितनी गहराई से निकला है मगर हम ये मालूम नहीं कर पाते कि ये जो मेघमा आ रहा है पृथ्वी के आंतरिक भाग से यानी इसकी गहराई कितनी किलोमीटर होगी कितनी गहराई से ये बाहर की ओर क्या हो रहा है उद्गारित हो रहा है इसका मालूम करना असंभव है आप देखते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत इनडायरेक्ट सोर्स अप्राकृतिक साधन लिख लो इसको या तो इसको क्या कहते हैं अप्राकृतिक साधन भी कहते हैं और इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इनडायरेक्ट रिसोर्स सॉरी इनडायरेक्ट सोर्स अप्रत्यक्ष स्रोत पदार्थ के गुण धर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त कर, होती है खनन क्रिया अभी देखिए हमने पिछले प्रत्यक्ष में खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान और दबाव में भी वृद्धि होती है हमने माइनिंग देखा कौन कौन सी एक तो अफ्रीका की सोने की खानों में और दूसरा आर्कटिक महासागर के कोला ड्रिल उनमें जैसे ही हम माइनिंग करेंगे अंदर जाएंगे तो अंदर जाते हैं तो हमारे तापमान की भी बढ़ोतरी होगी और यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो दबाव की भी बढ़ोतरी होगी यानी ऊपरी क्रस्ट, यानी इस क्रस्ट भू भाग से भू परपट्टी से हम नीचे की ओर जाएंगे तो तापमान और दबाव दोनों का क्या होगी बढ़ोतरी होगी इतना ही नहीं हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है तो कितनी चीजें बढ़ रही है तापमान बढ़ रहा है दबाव बढ़ रहा है और घनत्व बढ़ रहा है कहने का मतलब यह है कि हम अप्रत्येक स्रोत के अंदर तापमान गणहत्व और दबाव की भी चर्चा करेंगे क्योंकि हमने हम पहले भी डायग्राम में देखा था प्रत्येक स्रोत में क्या क्या देखा था तापमान गणहत्व और दबाव तापमान दबाव और गणत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान दबाव घनत्व के मान को अनुमानित किया गया है वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि कितनी गहराई पे कितना तापमान होगा कितना दबाव होगा कितना घनत्व होगा यानी वैज्ञानिकों ने क्या निकाले हैं रिसर्च करके कंक्लूजन निकाले हैं निष्कर्ष निकाले हैं कि भाई हम क्रस्ट से लेके जब कोर तक जाएंगे तो उसके घनत्व में दर में परिवर्तन किस प्रकार से होगा और कितना होगा तापमान कितना बढ़ेगा दबाव कितना बढ़ेगा पहला देखते हैं घनत्व डेंसिटी 1878 1878 में पॉइंटिंग पॉइंटिंग नामक विद्वान ने पृथ्वी का औसत घनत्व 5.47 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर बताया पृथ्वी का औसत घनत्व कितना बताया 5.47 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर बताया किसने पॉइंटिंग ने कब सत्रह नोट अपनी नोटबुक में सैटेलाइट की सहायता से उपग्रह की सहायता से उन्नीस सौ पचास में पृथ्वी का औसत पांच एक सात ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर बताया यह कैसे पता चला उपग्रहों की सहायता से पता चला न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आधार पर सर्वप्रथम कैंडिस महोदय ने नामक विद्वान ने सत्रह में औसत घनत्व नापने का प्रयास किया पृथ्वी के औसत घनत्व और क्रस्ट के औसत घनत्व के आकलन के द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया यानी क्रस्ट का औसत घनत्व कितना है और पृथ्वी का औसत घनत्व है उन दोनों को औसत आकलन के आधार पर किसने केवेंडिस ने किसके आधार पे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आधार पर कब सत्रह के अंदर यहां पे देखो एक डायग्राम यानी यहां क्या दिखा रखा है आपको ये बहा गए इस क्रस्ट ये मेंटल है आपका और ये कोर है यानी गहराई देखो ये हजार मीटर दो हजार तीन हजार चार हजार पांच हजार छह हजार यानी ये क्रस्ट की जीरो से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कितना पढ़ा था 6370 या इग्योत्तर किलोमीटर पढ़ा था यानी हमने देखा कि यहाँ पे जीरो क्रस्ट यानी ऊपरी प्रत क्रस्ट से लेके यहाँ तक कोर तक 6370 किलोमीटर और इधर है क्या है डेंसिटी है देखो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे आप यहाँ पे क्रस्ट पे थे कितना है यहाँ है फिर यहाँ पे गए यहाँ ऊपर हो गया फिर यहाँ देखो फिर आप ऊपर आए फिर ऊपर आए फिर ऊपर आए जैसे जैसे गहराई में जाते जाओगे तो तुम्हारा जो घनत्व है पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व वो क्या होता जाएगा वो बढ़ता जाएगा इस प्रकार से यानी आप क्रष्ट से लेके कोर तक जाओगे तो घनत्व बढ़ेगा पृथ्वी के आंतरिक पटु का घनत्व ऊपरी पटु से अधिक होता है यानी जो हमारी जो पृथ्वी है यानी ये क्रस्ट भाग है इस क्रस्ट से लेके ये कोर तक यानी इस क्रस्ट भाग का जो डेंसिटी है वो कोर भाग का डेंसिटी से कम होगा यानी यहाँ पे घनत्व अधिक होगा इस जगह और यहाँ पे घनत्व कम होगा पृथ्वी की ऊपरी परत का घनत्व 2.63 से 3.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के बीच है यानी इस ऊपरी परत का घनत्व कितना है 2.67 से 33 केंद्र का घनत्व लगभग 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर लगाया गया यहाँ पे आपको आउटर कोर और इनर कोर दोनों का घनत्व बताया गया आउटर कोर का 9.9 से 12.2 और इनर कोर का 12.8 से 13.1 बताया गया है मर्यादित दोनों का देखा जाए केंद्र का औसत घनत्व तो कितना है 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व पाँच पॉइंट पाँच ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों यदि आपसे पूछा जाए ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है पाँच पॉइंट पाँच ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर अब अगले पे चर्चा करते हैं दबाव के ऊपर प्रेशर के ऊपर पृथ्वी की सतह से आंतरिक परतों की ओर जाने पर दाब में वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप घनत्व में वृद्धि होती है दाब में यह वृद्धि भारी परतों के कारण माना जाता है इसके कारण पृथ्वी के केंद्र में घनत्व लगभग 11 या 12 प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के बिथरी भाग में स्थित पदार्थ भारी है जिसके कारण केंद्र पर दाब अधिक होता है इसी कारण वहाँ पे घनत्व भी अधिक पाया जाता है यानी जो निक्किल और फेरम निक्किल या लोहा जो कोर के अंदर पाया जाता है उन्हीं के कारण वहाँ पे घनत्व अधिक होता है यानी यह क्रस्ट भाग यह मेंटल भाग यह लोअर मेंटल यह अपर मेंटल यह आउटर कोर ये इनर कोर यान और यह आपकी डेप्थ हजार दो हजार तीन हजार चार हजार पाँच हज़ार छः हजार और ये आपका क्या है ये आपका दबाव है यानी यहाँ जाओगे तो जीरो दबाव इसके यहाँ पचास यहाँ सौ तो यानी कहने का मतलब ये है ये रेखा क्या इंडिकेट कर रही है कि जैसे जैसे आप गहराई पे जाओगे दबाव भी क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा कॉन्सेप्ट क्लियर कि आप जैसे ही क्रश से लेके कोर के अंदर भागते जाओगे तो दबाव की मात्रा भी बढ़ती जाएगी अगला है तापमान टेम्परेचर तापमान पर आधारित अध्ययन के अनुसार पृथ्वी की सतह से अंदर की परतों पर जाने पर रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन के कारण सामान्यतः 32 मीटर की गहराई पर एक सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है कितनी गहराई पे यानी आप ऊपर से 32 मीटर गहराई पे जाओगे तो एक डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में बढ़ोतरी हो जाएगी यानी क्रस्ट के ऊपर से आप बत्तीस मीटर की खुदाई करोगे और उस भाग में जाओगे तो आपको एक डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की बढ़ोतरी मिलेगी इससे आधार माने तो 10 किलोमीटर की गहराई में तापमान धरातल की अपेक्षा 300 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक हो जाएगा तथा 40 किलोमीटर की गहराई पे 1200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा आप ये डायग्राम देखो इस डायग्राम में दिखा रखा है ये आपका क्या है क्रस्ट ये आपका क्या है मेंटल और ये क्या है आपका कोर भाग क्रस्ट मेंटल और कोर यानी इस क्रस्ट भाग का तापमान कितना दिखा रखा है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड जैसे आप मेंटल में आओगे बढ़ के कितना हो गया हजार डिग्री सेंटीग्रेड क्योंकि यहाँ पे इसकी गहराई कितनी है घुन्तीसौ किलोमीटर यानी क्रस्ट भाग की जीरो से तीस लगभग और फिर आप देखते हो तो घन्तीसौ किलोमीटर तक में जाता है और उन्तीसों से छह हजार किलोमीटर तक आपका क्या आ जाता है कोर भाग आ जाता है फिर आप आगे चलोगे यहां पर बढ़कर तापमान कितना हो गया सैतीसों से डिग्री सेंटीग्रेड फिर आप आगे चलोगे तो वहां बढ़ के कितना हो गया 4300 डिग्री सेंटीग्रेड इनर कोर के अंदर तो इस प्रकार से आप क्रस्ट से कोर की तरफ जाओगे तो आपको तापमान में क्या मिलेगी बढ़ोतरी मिलेगी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत है उल्काएं जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य देखा ना आपने उस पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य की चर्चा हम किसमें करेंगे मिटीरियर्स या उल्काओं के अंदर करेंगे उल्का और उल्का पिंड क्या होता है जैसे आपने कभी रात को देखा होगा एक तारा टूटता हुआ क्या आता है नीचे आता है अब जब वो वायुमंडल से आता है तो घर्षण करता हुआ क्या करता है जलता हुआ दिखाई देता है ताप दीप दिखता दिख दिखता है तो उसे हम क्या कहते हैं उल्का कहते हैं उसे मटेरियर्स कहते हैं ये उल्का जब क्या करता है घर्षण करता हुआ वायुमंडल से नीचे की ओर आता है तो ये पूरा घर्षण नहीं कर पाता और एक ठोस चट्टानी पिंड शेष रह जाता है और वो कहाँ पे गिर जाता है धरती पे गिर जाता है इस प्रकार से तो उसे कहेंगे उल्का पिंड तो सर ये क्या हुआ कि ये हमें कैसे जानकारी देगा प्यारे बच्चों ये तुम्हें कैसे जानकारी देगा ये जब ओलका पिंड है तो इसका क्या किया जाएगा इसका प्रयोगशाला में अन्वेषण किया जाएगा रिसर्च किया जाएगा इस पर शोध किया जाएगा क्योंकि ये जो चट्टानी पिंड है वो क्या है पृथ्वी भी एक चट्टानी पिंड है तो इनसे आपस में मिलता जुलता है तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष निकालेंगे भाई किस प्रकार से ये खनिजों से बना हुआ था देखो पृथ्वी की आंतरिक सर्च जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन जरूरी है सॉरी पीछे चलते हैं क जो कभी कभी दर्तित्व पूछता है हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते उल्के तो कहाँ से आते हैं उल्काएं पिंड तो आसमान से आते हैं और हम अध्ययन कर रहे हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग से कोरिलेट करो बच्चों देखो कोरिलेट करते हैं कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से नहीं आते परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से क्या है मिलती जुलती है ये उल्काएं वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड होते हैं जिनसे हमारा ग्रह हमारा ग्रह कौन सा है पृथ्वी द आर्थ हमारा हम कौन से प्लेनेट पर रहते हैं पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं तो हमारा ग्रह भी उनसे क्या है मिलता जुलता है या हमारा ग्रह भी उनसे ही बना है अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन क्या हो गया महत्वपूर्ण तो हो गया अन्य अप्रत्य स्रोतों में हम गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल है आ गया भूकंप वर्ड अभी पहले चर्चा की थी कि भूकंप किस में है कुछ किताबों में तो आपको प्रत्येक स्रोत में मिलेगा मगर आपकी एन में भूकंप किस में दे रखा है अप्रत्यक्ष स्रोत में दे रखा है भूकंप संबंधी क्रिया पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांश हूँ पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये जो हमारी पृथ्वी है ये हमारे अक्षांश है अक्षांश और देशांतर पढ़े थे ना अपने ये इन अक्षांशों पे ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर नहीं होता यह गुरुत्वाकर्षण बल पे अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है यानी इस जीरो डिग्री भूमध्य रेखा पे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा कम होगा और दूरहों पे क्या होगा अधिक होगा क्या ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल दूरह पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार बदलता है पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है यानी हर जगह गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग होता है इसे हम गुरुत्व विसंगति कहते हैं इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति माना जाता है गुरुत्व विसंगति हमें भूप्रपट्टी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूप्रपट्टी में चुंबकीय पदार्थ के, के वितरण की जानकारी देती है भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण साधन है कौन भूकंपीय गतिविधियां और इन भूकंपीय गतिविधियों के बारे में हम विस्तार से अगला पार्ट बनाएंगे जो पार्ट थर्ड होगा उसमें स विस्तार से विवेचना करेंगे तो प्यारे बच्चों हम क्या कर लेते हैं एक बार समराइज कर लेते हैं पूरे चैप्टर को तो आप अपने मस्तिष्क को केंद्रित करके सुन लीजिए हमने क्या देखा कि भूगर्भ की जानकारी देने वाले कौन से साधन हैं उनको हमने तीन भागों में वर्गीकृत किया किन किन भागों में प्रत्येक साधन अप्रत्येक साधन और पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य के रूप में प्रत्येक साधन में हमने खनन को देखा गहरे खड्डा खोदा या अंदर तक हमने क्या की माइनिंग की चट्टानों को देखा और क्या देखा ज्वालामुखी को देखा फिर चलते हैं किसके ऊपर अप्रत्यक्ष साधनों पे अप्रत्यक्ष में हमने क्या देखा अप्रत्यक्ष में गणहत्व की चर्चा की दाब या दबाव की चर्चा की और तापमान की चर्चा की इसके अलावा हमने भूकंप को भी शामिल किया चुंबकीय सर्वेक्षण को भी शामिल किया किसके अंदर अप्रत्यक्ष स्रोत के कारण और इसी में जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्यता उल्का पिंड उसको भी हमने शामिल किया इनके बारे में चर्चा की और जो हमारा एक महत्वपूर्ण भूकंपीय गतिविधियाँ रह गई

कुछ ज्यादा कठिन भी नहीं है बहुत आसान है बस जिससे जो समझाऊ उसको ढंग से नियत से समझने की कोशिश करना बच्चों आइए सबसे सब पहले पढ़ते हैं बच्चों परिवर्त मैट्रिक्स बच्चों इसको इंग्लिश में ट्रांसपोज बोलते हैं ना ट्रांस बच्चों कुछ शब्दों के इंग्लिश वर्ड भी आपको याद होने चाहिए उससे क्या है थोड़ी सी आसानी हो जाती है ना ठीक है आ, जैसे हम बात करें ट्रांसपोज यानी कि ट्रांसपोज का पहला अक्षर बच्चों को टी यानी कि जनरली हम इसको किसी भी मैट्रिक्स के परिवर्त को एक की पावर टी से हम शो करेंगे छोटा टी लगा दो ऊपर या ये वाला लगा दो छोटे सा मतलब छोटा सा साइज में छोटा कैपिटल लगा दो स्मॉल लगा दो चाहे ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश लगा दो तब भी उसको परिवर्ती बोलते हैं बच्चों परिवर्त क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स के परिवर्त से मतलब होता है कि उसके पंक्ति को स्तंभ कर दो स्तंभ को पंक्ति कर दो यानी कि दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो आई को जैसे इंटरचेंज हम कर देते हैं बस इतनी सी बात है यदि कोई मैट्रिक्स एम क्रॉस एन का है तो उसको हम एन क्रॉस एम कर देते हैं है ना फॉर एग्जाम्पल एक बार इसको पढ़ लो एक ही सभी पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त मैट्रिक्स एक का परिवर्त या आव्यू कहलाता है। जैसे एक ही कोटि क्या होगी एम क्रोस एन होगी तो परिवर्तन करने के बाद कोटि क्या हो जाएगी बच्चो एन क्रोसैम हो जाएगी ठीक है अब ये मैं तुम्हें समझाता हूँ एक बार इस नोट को पढ़ लो बच्चों किसी भी इकाई मैट्रिक्स चाहे वो कितने भी ऑर्डर की हो किसी भी कोटि की हो का ट्रांसपोज हमेशा सेम वापिस वही आता है प्रत्येक इकाई मैट्रिक्स का परिवर्तन के बराबर ही होता है इस बात को ध्यान रखना जो नोट में स्पेशल बातें होती है अलग कलर में उसको बिल्कुल ढंग से नोट करनी है आपको अब में आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल से देखना बच्चों एक बार है ना एक मैट्रिक्स हमारे पास है माइनस वन टू थ्री फोर ये दो बाय दो की मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज यानी कि इसका परिवर्तन बच्चों क्या हो जाएगा हमने क्या बोला पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दो ठीक है तो ये माइनस वन दो तीन और चार देखो ये तीन और चार क्या था इसकी दूसरी पंक्ति थी अब तीन और चार इसका दूसरा स्तंभ आ गया माइनस एक माइनस दो इसकी पहली पंक्ति थी अभी इसका पहला स्तंभ आ गया बात समझ में आ गया सभी के अभी तो दो बाई दो ले ली मैंने ना तो ऑर्डर में फर्क नहीं पड़ रहा वो भी दो बाई दो है और ट्रांसपोज यानी कि परिवर्तन करने के बाद भी दो बाई दो ही है अपन चेंज करते हैं थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो एक बार है ना ताकि ये लिखी हुई बात आपको थोड़ी और कॉन्सेप्ट से समझ में आ जाए एक मैट्रिक्स लेते हैं अपन एक दो तीन चार पाँच छ ठीक है ये ए मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ये कितने बाई कितने की है दो बाई तीन की है ना दो पंक्ति तीन स्तंभ अब इसका ट्रांसपोज अपन निकालते हैं ध्यान से देखना इसका परिवर्त बच्चों परिवर्त मेरे मुंह से बार बार ट्रांसपोज निकलेगा तो भी समझ जाना टी का मतलब पंक्ति को स्तंभ में बदलना है को कॉलम से इंटरचेंज करना है आपस में दोनों को ना देखिए तो अब बच्चों ध्यान से देखो इसकी पहली पंक्ति कौन है एक दो तीन अब इसका पहला स्तंभ क्या हो जाएगा एक, दो, तीन. इसकी दूसरी कौन सी है? चार पांच दूसरा स्तंभ कौन सा ट्रांसपोज कर दिया, कर दिया. अब ये देखो तीन बाई दो की होगी ना ये लीजिए तो ट्रांसपोज यानी परिवर्तन करने के बाद उसका ऑर्डर एम की जगह एन हो जाएगा एम की जगह एन एन की जगह एम एम एन को एन एम कर देंगे

किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसका परिवर्त फिर उसका वापस परिवर्त निकालेंगे तो वापस वो मैट्रिक्स ही तो आएगी अरे पेन चलाने की जरूरत नहीं बात को तो समझो हमने पहले पंक्ति और स्तंभ को आपस में इंटरचेंज कर दिया फिर जो रिजल्ट हमारे पास आया वापस उसकी पंक्ति और स्तंभ को चेंज कर दिया तो वापस वहीं तो पहुंच जाएंगे जहां पहले थे सर कम समझ में आया एग्जाम्पल से समझाओ आ जाओ बहुत आसान है ना एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ बच्चों जिस ध्यान से देखना ए ले ली मैंने मैट्रिक्स एक माइनस दो तीन व चार ठीक है अब ध्यान से देखना इसका ट्रांसपोज इसका परिवर्तन मैंने निकाला वो क्या आ गया बच्चों एक माइनस दो तीन चार अगेन इसका ट्रांसपोज निकालते हैं इसका वापस क्या निकाले बच्चों ट्रांसपोज वापस परिवर्तित कर दो तो क्या आ जाएगा वापस एक तीन माइनस दो व चार बताओ ये दोनों बातें बराबर है या नहीं है अरे बताओ जल्दी से है या नहीं बराबर बराबर है ना बच्चों तो पहली बात समझ में आ गई पहली बात क्या किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज परिवर्त अगेन उसके परिवर्त करें तो वापस उस मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा आप खुद भी जैसे मैंने दो बाई दो की मैट्रिक्स ली आप तीन बाई तीन बाई तीन की ले लो दो बाई तीन की ले लो तीन बाई चार की ले लो एक दो एग्जाम्पल ऐसा करके देखो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ के साथ एग्जाम्पल कर लोगे तो आपको हमेशा के लिए याद भी रह जाएगा ठीक है ये बात समझ में आ गई चलें अगले पे अगला बच्चों देखो ध्यान से क्या कह रहा है प्लस बी कोई भी दो मैट्रिक्स का योगफलम करें फिर उसका ट्रांसपोज निकालें वो किसके बराबर होता है उनके अलग अलग ट्रांसपोज के, के ऐसा है कहना है। तो चेक करके बता दू मैं।, मैं रफ कर अभी थोड़ी देर में इसी मैट्रिक्स को ले लें देखो ए तो हमारे पास ये ही बी दूसरी ओर ले लेते हैं बी ले लो जीरो पांच एक और तीन ठीक है तो हम निकालते हैं पहले ए प्लस बी ध्यान से देखना ए प्लस बी बच्चों क्या जाएगा ध्यान से देखो एक और जीरो एक माइनस दो प्लस पांच तीन तीन और एक चार कर सारे सवाल कर लिए चार और तीन सात इसका ट्रांसपोज हमें निकालना ध्यान से ए प्लस बी का ट्रांसपोज यानी कि इसका परिवर्तन निकाल दो बच्चों कितना आ गया एक तीन चार और सात ठीक है अब अलग अलग निकालते हैं ना ध्यान से देखना आ, का ट्रांसपोज ये रहा पहले से बी का ट्रांसपोज निकालते हैं बी का परिवर्त निकालते हैं बी का परिवर्त बच्चों क्या जाएगा जीरो पांच एक और तीन अब ये बोल रहा है कि जो आपने दोनों को जोड़कर फिर परिवर्त निकाला अब आप निकालो दोनों का अलग अलग परिवर्तन फिर दोनों को जोड़ो तो दोनों का अलग अलग परिवर्त मैंने निकाल दिया इन दोनों को जोड़ना है बच्चों ना ठीक है प्लस करो फटाफट से पेन चला के जोड़ो एक प्लस जीरो एक तीन प्लस एक चार दो प्लस की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी तो ऐसे तुम खुद से जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया ना तुम खुद से कोई भी एग्जाम्पल लो ना क्या फर्क पड़ रहा है मैं थोड़ी बोल रहा हूँ तो तुम ये वाला एग्जाम्पल ही लो बच्चों जितने भी प्रमेय या जितने भी रिजल्ट होते हैं ना उनको जब एक बार अपन करके देख लेते हैं ना तो फिर जो अंदर से सेटिस्फैक्शन है संतुष्टिकरण मिलता है उसका कोई जवाब ही नहीं है नथिंग लाइक दैट बात सुन मैं सभी के तो अब मैं आशा करता हूं आप इन सभी को एक बार खुद से करो जल्दी से अच्छा हमने देखा था ए का बी से मल्टीप्लीकेशन बी से ए के मल्टीप्लीकेशन के बराबर नहीं होता लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है दो मैट्रिक्स का गुणनफल का ट्रांसपोज परिवर्तन निकालें तो उनका बी की पावर्टी

ठीक है अब देखो ये क्या बोल रहा है एक की पावर टी बराबर है किसी भी मैट्रिक्स का परिवर्त निकालें और वापस वही मैट्रिक्स आ जाए इसका मतलब मैट्रिक्स कहलाती है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और ट्रांसपोज निकालने पर वापस वही मैट्रिक्स हमारे पास आ जाए इसका मतलब वो सम्मित मैट्रिक्स होती है विषम सम्मित किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और उस पहले जो जिस मैट्रिक्स का निकाला उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए उसके ऋणात्मक के बराबर आ जाए इसका मतलब वो विषम सम्मित मैट्रिक्स होगी ठीक है अब देखो ध्यान से इसको बच्चों इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है इसको अच्छा मैंने इसको लिख दिया ये बच्चों सम्मित का मतलब है सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओनली ठीक है ये इसको रफ कर दो आप सम्मित का मतलब सिमेट्रिक विषम सम्बित का मतलब स्क्यू सिमेट्रिक ये बिल्कुल ध्यान रखना विशेष है ना विषम के लिए स्क्यू हमने लगा दिया और छोड़ो अंग्रेजी को बस ये अंग्रेजी इसलिए याद रहनी चाहिए जो टाइटल होता है ना बच्चों वो हिंदी इंग्लिश दोनों में याद होने होनी चाहिए तुम्हारे को उससे पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा मजा आता है आसानी होती है ना तो पहली बात क्लियर है क्या अब फाइनल करूँ संबित मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का परिवर्तन निकालने पर अगर वो मैट्रिक्स वापस आ जाती है तो सम्भित मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का परिवर्तन निकालने पर उसका ऋणात्मक के बराबर आती है तो उसका मतलब विषम सम्मित मैट्रिक्स कहलाती है इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है इतनी सी बात है अब देखो बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट बातें ये जो नोट लिखा हुआ है ना ये दोनों बातें आप ढंग से नोट डाउन कर लेना और खुद से प्रूव करना जो बातें लिखी हुई है प्रत्येक इकाई मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स आपको बनाना आता है देखो आप बना लोगे आराम से दो बाई दो की बना लो इसका ट्रांसपोज निकालो वापिस सेम आ जाएगा वो सम्मित मैट्रिक्स होते हैं तो जितनी बातें लिखी हुई इनको खुद से प्रूव करो आप खुद से एग्जाम्पल लो इनको नोट डाउन कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट बातें है ठीक है आगे बढ़ते हैं सम्मित विषम सम्मित मैट्रिक्स के गुणधर्म बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है ये इसका ध्यान रखना ये ए का ट्रांसपोज है ए टी नहीं है यहाँ ए एक की पावर टी यानी कि ए का ट्रांसपोज ए की पावर टी ये जो टी मल्टीप्लीकेशन में इसको ऊपर लगा लेना अब इनको आप खुद से चेक करो मैं एक चेक करके आपको बता देता हूँ ना ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा देखो यहाँ पे भी ये ऊपर है थोड़ा सा कर लेना बच्चों ये ठीक ठाक है ना पहले मैं इनमें से कोई भी एक तो प्रूव करके दिखाता हूं यदि ए कोई एक वर्ग मैट्रिक्स है कोई भी वर्ग मैट्रिक्स ले लो आ जाओ एक दो तीन चार दो बाई दो की मैंने ले ली ठीक है अब क्या कह रहा है बताओ ये, ये कह रहा है, प्लस उसका ट्रांसपोज उसका परिवर्त एक सम्मित मैट्रिक्स होगा ये बोलना चाह रहा है ना आइए इसका ट्रांसपोज निकालो या गया एक दो तीन चार इन दोनों का सम करो बच्चों ठीक है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज जोड़ो एक और एक दो दो और तीन पांच तीन और दो पांच चार और चार आठ ठीक है अब ये ये जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुई इसके लिए वो क्या बोल रहा है कि सम्मित मैट्रिक्स है इसके लिए क्या बोल रहा है बच्चों सम्मित मैट्रिक्स है बताओ सम्मित मैट्रिक्स क्या होती है सर उस मैट्रिक्स का परिवर्तन निकालने पर वापस वही मैट्रिक्स आ जाए इसका मतलब वो सम्मित मैट्रिक्स है तो अगेन बच्चों इसका तुम क्या निकालो ये एक मैट्रिक्स है इसका परिवर्तन निकाल दो अगर वापस यही मैट्रिक्स आ जाती है तो हम बोल देंगे सही बात है वरना गलत बात है आइए निकालें तो इसका इंटरचेंज करो दो पांच पांच और अब वही आ गया तो सर बिल्कुल सही बात है ऐसे खुद से कर लिया करो मैंने दो बाई दो लिया तुम तीन बाई तीन ले लो क्या फर्क पड़ गया कर लेंगे बच्चों आराम से है ना तो इन सभी को आप करना ए माइनस ए का ट्रांसपोज ए का परिवर्त एक विषम सम्मित मैट्रिक्स होता है ये भी तुम करके देख लो विषम सम्मित मतलब उसका ट्रांसपोज निकालने पर उसके ऋणात्मक के बराबर आएगा करके दिखा दू ये वाला भी ये वाला भी करके देख लेते हैं बच्चों ध्यान से देखो ए अब ए माइनस ए का ट्रांसपोज करो ठीक है

आओ, जीरो माइनस एक एक और जीरो इस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर है क्या सर चेक कर लेते हैं माइनस साइन से गुणा करके है ना तो इसको आगे अपन करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई ए माइनस ए की पावर टी करें तो माइनस से करेंगे तो ये सारे जीरो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वन प्लस का हो जाएगा ये वन माइनस का हो जाएगा अरे जीरो इन दोनों को मैच करना देखें बराबर आ गया

टेन की फॉर्म में लिखो बाकी पांचों की फॉर्म में हम लिख सकते थे वैसे ग्यारहवीं क्लास में तीसरा चैप्टर पढ़ा होगा तो मैंने एनसीआर का है ना त्रिकोण में थी अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आ जाए कि, कि किसी भी वर्ग मैट्रिक्स का कोई ऐसा रूप होता है क्या जो सम्मित व विषम सम्मित मैट्रिक्स के योग के रूप में होता है तो वो इस तरह से होता है ए ए का ट्रांसपोज परिवर्त का आधा ए माइनस ए के ट्रांसपोज का आधा दो कर दो बटा दो, आ दो आधा पूरा हो गया दोनों को जोड़ दो अब देखो वापस ए ही आ जाएगी इसको बैलेंस ही तो किया है यार है ना कैसे देखो आ, अगर इनको दो मैं नीचे ले लू तो एक ही पावर टी से एक ही पावटी ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ये आ, थोड़ी सी मिस्टेक है इसको सही कर लेना ये टी है ना ये अंदर है ट्रांसपोज ठीक है अब देखो जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ए बाई टू ए बाई टू मतलब ए तो आ गया तो किसी भी वर्ग मैट्रिक्स को सम्मित और विषम सम्मित मैट्रिक्स के योग के रूप में इस तरह से लिखा जा सकता है इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा बढ़े थोड़ा सा आगे ठीक है देखिए बच्चों कोई मैट्रिक्स हो, तो ए की पावर एन भी मैट्रिक्स ही होता है यानी कि कहने का मतलब यदि कोई सम्मित मैट्रिक्स है ना उसके बाद कितनी पावर लगा दो तुम उसको कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो खुद से वापस सम्मित मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा इसको तुम चेक करके देख लो आ जाओ जैसे देखो ये एक मैट्रिक्स है दो पांच पांच आठ है ना इसकी तुम कितनी पावर लगा दो यानी कि वापिस किसी स्पेसिफिक इसी से मल्टीप्लाई करके देख लो भाई पावर ए स्क्वायर का मतलब ए गुणा ए तो होगा ऐसे थोड़ी है तुम दो का स्क्वायर ऐसा कर देखिए करे मल्टीप्लाई करना आता ना भाई सभी को करके दिखाता हूँ वापिस दो दुनी चार पचाम पच्चीस ठीक है आगे बढ़ो जी दो पंजे दस आठ पंजे चालीस नीचे वाले पे चलो पांच दस आठ पंजे चालीस ठीक है आगे बढ़ो पचाम पच्चीस और चौंसठ ठीक है अब यहाँ पे आओ यहाँ पे बच्चों ट्वेंटी नाइन यहाँ पे आ गया पचास यहाँ पे आ गया पचास यहाँ पे चौंसठ जोड़ोगे तो बहुत आसान है पांच और चार नौ दो आठ एटी नाइन ठीक है अब इसने क्या बोला कितनी भी पावर लगा दो यानी उस भाई ए स्क्वायर का मतलब मैंने समझाया था ना ये तो पहले पढ़ लिया ना अपन ने भाई ए स्क्वायर का मतलब मैट्रिक्स में ए डॉट ए होता है ए क्यूब का मतलब ए स्क्वायर डॉट ए होता है ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमारे को ना ठीक है इसका ये बोला है सम्मित मैट्रिक्स होगा तो इसका परिवर्तन करके देख लो वापस ट्वेंटी नाइन फिफ्टी और फिफ्टी एटी नाइन वापिस वही आ गया ना तो बात बिल्कुल सही लिखी हुई है तो विशेष ध्यान रखिएगा बच्चों इन सब बातों का ठीक है आइए के ए भी एक सम्मित मैट्रिक्स होता है विशेषतः सम्मित मैट्रिक्स का ऋण भी सम्मित मैट्रिक्स होता है बच्चों भाई सारी बातें आप नोट डाउन कर लो बिल्कुल सही सही बातें लिखी हुई है इनको यदि आपको किसी बात में संदेह हो तो कोई भी एग्जाम्पल लो आप मैं नहीं बोल रहा है मैं बोल रहा हूँ जो एग्जाम्पल लिखो जो ये बोल रहा है वो एग्जाम्पल लिखो बोल रहा है वर्ग मैट्रिक्स तो वर्ग मैट्रिक्स में तुम्हारे जच्चे जो लिख लो दो बाई दो की ले लो तीन बाय तीन की ले लो चार बाय चार की ले लो ऐसे करके देखो तब मजा आएगा आसान बातों को भी पेन चला के सोल्व करते हैं ना तब कॉन्फिडेंस बढ़ता है आगे बढ़ता है

और ओड हो तो बच्चों क्या होगा विषम सम्मित मैट्रिक्स प्राप्त होगा ये सारी बातें आप इनको नोट डाउन कर लेना इनके गुणधर्म है ये गुणधर्म ये थ्योरी तभी याद रह सकती है एक एक को आप प्रूव करोगे खुद से एग्जाम्पल लेके कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है अब आइए बच्चों व कोई दो सम्मित मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लीकेशन भी सम्मित मैट्रिक्स होगा ए बी सम्मित है तो ए बी बराबर बी ए बी होगा ए बी माइनस बी ए विषम सम्मित है ये सब बातें नोट कर लेना बच्चों छोटी छोटी बातें है ना इनको समझाने के तरीके मैंने तुम्हें बता दिए एक एक को मैं समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत आसान है मैंने एक एक एग्जाम्पल तो तुम्हें करके इसका बता ही दिया कोई भी दो मैट्रिक्स ले लो ये बातें लिखी हुई उनको प्रूव करके देख लो इतनी सी बात है आगे बढ़ते हैं बच्चों मैट्रिक्स का सारणिक ठीक है बच्चों तो इसमें तुम्हें क्या करना है इसको इसको डिटरेंट ऑफ ए है ना

उनको आपको और समझना है उसके बाद उसके बाद आपको प्रश्न वाला हल करने से कोई नहीं रोक सकता आप सत्रह। आज की क्लास में बात करने वाले हैं बिंदु त्रुटि या फिर परमाणु त्रुटियों के बारे में यदि बिंदु त्रुटि की बात की जाए तो बिंदु त्रुटि या फिर बोला जाता है परमाणु दोष ये कब उत्पन्न होते हैं मान लीजिए Uh, कोई भी अवयवी कण है ठीक है जी पहले तो दोष की बात करें तो दोष कब उत्पन्न होते थे जब उस सिस्टम में बाहर से कोई अवयव आ जाए या फिर अंदर का अवयव बाहर चला जाए या फिर अंदर क्या हो वहाँ पे उनके स्थान में अनियमितता आ जाए तो वहां पे दोष उत्पन्न होता था अब जो बिंदु दोष होगा वो क्या होगा मान लीजिए कोई भी परमाणु है या फिर कोई भी अवयवी कण है वो यदि अपना स्थान छोड़कर के किसी दूसरे स्थान पर चले चला जाए ठीक है जी या फिर उसके जो अनियमितता है यानी कि उसके जो व्यवस्था है उसमें थोड़ी सी अनियमितता हो जाए ठीक है जी तो वहाँ पे क्या उत्पन्न होगा भाई मेरे बिंदु दोष उत्पन्न होगा यदि बात करें तो ध्यान दीजिएगा क्रिस्टल में यह दोष अवयवी कण के अपने नियमित स्थान से लुप्त तो हो जाने की स्थिति में या फिर या फिर अपने निश्चित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक में अन्य स्थान पर चले जाने की वजह से ये वाला दोष उत्पन्न होता है तो दो बातें आ गई पहली बात तो क्या पहली बात तो यह है कि सर वो अपने नियमित स्थान से अपनी व्यवस्था से लुप्त हो जाए या फिर दूसरी बात हम ये बोल सकते हैं कि सर वो वहाँ से लुप्त होकर के किसी और जगह भी जा सकता है तब भी क्या होगी व्यवस्था में अनियमितता आ जाएगी और यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा भाई मेरे बिंदु दोष या फिर इसे बोला जाता है रेखिक दोष लाइन डिफेक्ट वहाँ पे आ जाएगा ठीक है जी बड़े आगे अब यदि बिंदु दोष की बात की जाए तो बिंदु दोष भी दो प्रकार के होते हैं पहला होता है स्टाइक्योमेट्री और दूसरा होता है नॉन स्टाइक्योमेट्री इन्हें हिंदी में बोला जाता है रस समीकरणीय दोष और अरस समीकरण मित्तीय दोष अच्छा जी पहले उठाते हैं किसको स्टाइक्योमेट्री दोष को यदि स्टाइक्योमेट्री दोष की हम बात करते हैं तो ये कब होता है स्टाइक्योमेट्री आप जानते ही हैं ठीक है जी आपने क्लास इलेवन में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था स्टाइक्योमेट्री क्या होती है ठीक है तो स्टाइक्योमेट्री दोष की दिए हम बात करें तो जिन दोषों के कारण क्रिस्टल की स्टाइक्योमेट्री जो होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता यानी कि उस पर परिवर्तन नहीं होता यानी कि ऐसे दोष जिनके कारण ऐसे दोष जिनके कारण जो तत्व है या फिर जो बोल सकते हैं कि जो क्रिस्टल है उसकी स्टाइक्योमेट्री में यदि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ऐसे दोष कौन से कहलाते हैं तो आप बोलेंगे स्टाइक्योमेट्री दोष कहलाते हैं और यदि बात करते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष की तो वो क्या हो जाएगा इसका विपरीत हो जाएगा यानी कि वहाँ पे जो स्टाइक्योमेट्री रहेगी यानी कि जो क्रिस्टल की रस समीकरण मिति रहेगी वो क्या करेगी वहाँ पे इफेक्ट करेगी यानी कि वहाँ पे कुछ न कुछ परिवर्तन होगा तो इसके विपरीत यदि हम देखेंगे स्टाइकोमेट्री दोष नॉन स्टाइकोमेट्री दोष की तो वो क्या हो जाएगा वहाँ पे स्टाइकोमेट्री में परिवर्तन हो जाएगा ठीक है अच्छा अब सबसे पहले स्टाइकोमेट्री दोष की बात करते हैं तो स्टाइकोमेट्री दोष भी दो तरह से पाया जाता है एक तो आइनिक ठोसों में ठीक है जी और एक अन आइनिक ठोसों में यानी कि स्टाइक्योमेट्री दोष भी दो प्रकार से पाया जाएगा एक तो अनाइनिक में और दूसरा किस में आइनिक में अच्छा जी अब इनके पार्ट्स होते जा रहे हैं ठीक है लास्ट में मैं आपको एक डायग्राम से बता दूंगा कि आ, कौन कौन सा किस किस का पार्ट है ठीक है जी उसके पहले आप देखते रहिए यदि हम बात करते हैं दोष की तो दो तरह के दोष हमने देखे हैं कौन कौन से भाई मेरे सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे परमाणु दोष में एक तो स्टाइक्योमेट्री और दूसरा नॉन स्टाइकोमेट्री दोषों की यदि बात करते हैं तो दोष दो प्रकार के थे कौन सा इलेक्ट्रॉनिक और परमाणवीय ठीक है अब परमाणवीय को भी हमने क्या कर दिया दो भागों में वर्गीकृत कर दिया कौन सा भाई मेरे स्टाइकोमेट्री और नॉन स्टाइकोमेट्री अब सबसे पहले हमने देखा स्टाइकोमेट्री स्टाइकोमेट्री में कौन कौन से आते हैं तो आप देखेंगे सर स्टाइकोमेट्री में एक तो अनाइनिक ठोसों वाला और एक आयनिक ठोसों वाला अब इसमें भी हम पढ़ेंगे क्या अनायनिक ठोसों में जो दोष पाए जाते हैं दो तरह के आपको दोष मिलेंगे पहला दोष रिक्ति का दोष और दूसरा दोष अंतराकाशी दोष ठीक है जी अंतराकाशी दोष आपको मिलेगा अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पे सर ये तो अनायनिक में थे यदि आयनिक की मैं बात करूँगा यदि मैं आयनिक की बात करूँगा तो आयनिक में भी दो प्रकार के रहेंगे ठीक है यदि आपने रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष अच्छे से पढ़ लिया यदि आपने रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष पढ़ लिया तो आपको जो यहाँ पे आयनिक ठोसों में जो दोष होंगे वो इजीली समझ में आ जाएंगे जो कि फ्रेंकल दोष होते हैं ठीक है जी आइए देखते हैं रिक्तिका दोष क्या होता है मान लीजिए किसी भी क्रिस्टल को यदि हम गर्म कर रहे हैं कोई भी हमारे पास में एक क्रिस्टल है उसको यदि हम गर्म करते हैं तो उसमें जो अवय कणों की व्यवस्था होती है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है ठीक है जी अब देखिए मान लीजिए ये कोई आपके सामने कोई क्रिस्टल है यहाँ पे ठीक है जी कोई ठोस क्रिस्टल है अब इसमें रिक्तिका दोष में क्या होगा आप सीधा याद रखिए कि जो यहां पे अव्यवीकरण है यानी कि इस वाली जगह पे जो अव्यवीकरण था ठीक है और इस वाली जगह जगह पे पे जो जो था यानी कि इन दोनों अव्यवीकरण थे वो क्या हुआ यहां पे अपने स्थान को छोड़कर चले जाते हैं और ये दोष कब उत्पन्न होता है जब पदार्थों को या फिर बोला जा सकता है जब क्रिस्टलों को क्या किया जाता है गर्म किया जाता है अब आप ही मुझे बताइए कि यदि ये यहाँ पे से उठ कर के यदि ये, ये यहाँ पर से उठ कर के बाहर चले गए क्रिस्टल से तो यहाँ पे क्या अविवी कणों की जो संख्या है वो कम हो गई क्या बिल्कुल हो गई यदि संख्या कम हो गई तो जो डेंसिटी यानी कि जो घनत्व रहेगा क्या वो भी यहाँ पे परिवर्तित होगा क्या और उसमें क्या परिवर्तन आएगा कि जो घनत्व रहेगा वो क्या हो जाएगा भाई मेरे कम हो जाएगा क्योंकि जो अविवी कण है वो क्या हुआ यहाँ से उठ के चले गए ठीक है और यह दोष कब उत्पन्न हुआ है जब मैंने क्रिस्टल को गर्म किया है तो ये देखते हैं रिक्तिका दोष की बात करते हैं तो जब किसी जालक में, जालक जालक में बिंदु या स्थल स्थल से इस्थल रिक्त हो जाता है, कण निर्धारित स्थान से बाहर निकल जाए तो उत्पन्न दोष क्या होता है भाई मेरे रिक्तिका दोष होता है और इस दोष की बात करें तो यहाँ पे जो घनत्व रहता है वो क्या होगा भाई मेरे कम हो जाएगा और ये दोष तब उत्पन्न होगा जब पदार्थों को गर्म किया जाता है यानी कि जब भी पदार्थों को या फिर क्रिस्टलों को गर्म करेंगे तो इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाएगा तो आशा करता हूँ कि आपको रिक्तिका का दोष अच्छे से समझ में आया होगा तीन चार पॉइंट हैं कुछ भी नहीं है पदार्थ को गर्म किया तो उसके जो अंदर के अविवीकरण थे वो अपना स्थान छोड़ करके बाहर चले गए घनत्व कम हो गया रिक्ति का दोष उसको बोल दिया ठीक है तीन पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है ठीक है उसके बाद में आपको ये डायग्राम याद रखना है कि डायग्राम के थ्रू भी आप अच्छे से यहाँ पे समझा सकते हैं ठीक है थेके? याद रखना है घनत्व कम होता है और यदि कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो वह कौन सा दोष है मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जा आ जाता है कि वह कौन सा दोष है जिसके अंतर्गत घनत्व कम हो जाता है तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए रिक्ति का दोष उस सवाल का आंसर रहेगा ठीक है जी तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में अंतराकाशी दोष के साथ में धन्यवाद बच्चों आज हमने पढ़ा है कक्षा 11 में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत विषय में पृथ्वी की आंतरिक संरचना भाग 2 पे कक्षा 12 में गणित विषय में आव्यूह भाग 6 में रसायन विज्ञान विषय में ठोस अवस्था भाग 16 17 बच्चों कल हम पढ़ेंगे कक्षा ग्यारह में रसायन विज्ञान विषय में रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं भाग उन्नीस व्यर्थ शास्त्र विषय में ग्रामीण विकास भाग तीन कक्षा बारह में अंग्रेजी विषय में लॉस स्प्रिंग पार्ट थ्री बच्चों हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं मिशन ज्ञान तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ स्टरलाइट एड इंडिया फाउंडेशन एवं पिरमल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है बच्चों आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा अपने सुझाव अवश्य दें कार्यक्रम से संबंधित आपके सुझाव हमें ईमेल और डाक द्वारा भेज सकते हैं हमारा ईमेल एड्रेस है फीडबैक डॉट शिक्षा दर्शन टू जीरो टू वन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम और डाक का पता है निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एक सौ ग्यारह सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदयपुर थ्री वन थ्री डबल जीरो वन